सो गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस कोलगेट जो कि काफ़ी बड़ी टूथपेस्ट कंपनी और ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में अवेलेबल है क्योंकि इसे लगभग सभी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और गाइस वही हम बात करें इनो की, तो गाइस अगर किसी के पेट में गैस बन जाए या किसी को एसिडिटी हो जाए तो हम उसे सबसे पहले इनो ही सजेस्ट करते हैं क्योंकि गाइस ये मात्र 6 सेकंड में अपना काम शुरू करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि गाइस ये काफ़ी बेसिक होता है नेचर में, इसलिए एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देता है। और गाइस वही हम बात करें कोलगेट की, तो गाइस कोलगेट भी नेचर में बेसिक ही होता है। तो गाइस है ये दोनों बेसिक ही, लेकिन आपको पता है अगर हम देवों को मिक्स कर दे तो गैस कितनी मस्त रिएक्शन होती है। तो गैस आज के इस वीडियो में यही करने वाला हूँ। तो गैस इसके लिए मैं सिंपल सा एक ग्लास लूंगा और उसके अंदर इस कोलगेट को पूरी निकाल लूंगा और फिर हम डालेंगे ऊपर से इनो। तो गैस फिर देखना आपको कितनी मस्त रिएक्शन होती है। तो गैस चलिए फटाफट शुरू कर दे। तो गाइस हमने इसमें कोलगेट का सॉल्यूशन बना लिया है और इसके लिए हमने एक छोटी कोलगेट का पैकेट लिया था और एक मीडियम साइज़ की कोलगेट का पैकेट लिया था। तो गाइस इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमें जितने हमें कोलगेट डालनी है उतने अमाउंट में हमें इसमें पानी ऐड करना है, ना ही उससे ज़्यादा लेना है ना ही उससे कम लेना है। तो गाइस चलिए फटाफट हम इसमें इनो मिलाते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी मस्त रिएक्शन यहाँ पर हुई है। तो गाइस में जो फॉर्म है जो झाग है अभी भी बने जा रहा है। और गाइस इस रिएक्शन में मतलब दूर से देखने टेस्ट ले रहा है जैसे वनीला शेक होता है ना, उसके ऊपर मतलब आइसक्रीम डाल दी और आइसक्रीम पिघल पिघल के थोड़ी सी नीचे आ गई, मतलब भुन गई आइसक्रीम थोड़ी। दूर से देखने पर तो ऐसे लग रहा है गाइस, मतलब पास से देख लो मतलब इसमें जो झाग है जिसका फॉर्म है काफ़ी गाढ़ा है, काफ़ी मोटा है, ऐसे लग रहा है जैसे आइसक्रीम पूरी पिघल के पानी होगी। ये थोड़ा जोर से लग रहा है। तो गाइस इसमें मतलब कोलगेट थी कुछ भी नहीं था, कोलगेट था थोड़ा सा पानी बनाया था, मतलब सिर्फ आधे से भी आधा था गिलास में, मतलब आधे गिलास में थोड़ा सा कम था वो। उसमें हमने सिर्फ 2 पैकेट हिलो से डालो, मतलब कितनी ज़्यादा फॉर्म बन गई इसकी, क्या हालत कर दी कोलगेट की। इसको फॉर्म को आप बाहर निकाल के बताता हूँ मैं आपको, तो देख लो कितना मतलब कितना गाढ़ा फॉर्म हुई, देख लो ऐसी लग रहा है आइसक्रीम पिघल के एकदम पिघल के पानी होगी, जूस वगैरह होता है गाढ़ा। देखो ये थोड़ा थोड़ा दूध जैसा भी लग रहा है, ये लग रहा है दूध हो, ये दूध और थोड़ी मलाई हो, बस देख लो दूध जैसा लगने लग गया थोड़ा थोड़ा। ये देख लो इसमें लग रहा है पूरी एकदम गाढ़ी मलाई इस ग्लास के अंदर, देखो गाइस देख लो ये दूध मलाई जैसा भी लग रहा है, आइसक्रीम भी लग रहा है, मतलब आइसक्रीम बाहर तो है इसलिए आइसक्रीम पूरी पिघल के पानी होगी। तो गाइस मैं आपको दूसरे बिगर में डाल के बताता हूँ क्योंकि ये ग्लास क्या थोड़ी ख़राब से हो गया, मतलब थोड़ा इसमें जो वाइट वाइट सा हो गया, बिगर में आपको साफ दिखेगा।
तो गाइस आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मतलब कोलगेट है, अब लग रही है जैसे वो दूध की मलाई से लग रही है, थोड़ी आइसक्रीम जैसी भी लग रही है, मतलब वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम आती है ना वो पूरी पिघल गई, तो उस पिघलने के बाद थोड़ा ऐसे बसता है, या फिर ऐसे लग रहा है दूध की मलाई जैसा भी लग रहा है। मतलब कमेंट में आप बताना आपको क्या लगा। देखो मतलब कोलगेट हम इन को डालते हैं तो गाइस ऐसी रिएक्शन होती है, उसकी जो स्मेल है काफ़ी कोलगेट की काफ़ी ज़्यादा आ रही है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कैंटा फ्रेश की और कोलगेट की थोड़ी मतलब मिलती जुलती स्मेल है, इसलिए ऐसी चारों तरफ वैसी स्मेल हो रही है।